सिंगरौली में भी रेत के अवैध उत्खनन का काम जोर शोर से चल रहा है। इसके खिलाफ अभियान शुरू करते हुए पुलिस ने अवैध रूप से रेत का खनन कर परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को पकड़ के जब्त किया। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत ग्राम बसौड़ा के पास पुलिस ने दबिश दी। रेत का अवैध रूप से खनन कर परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार वैश काफी दिनों से रेत का अवैध उत्खनन कर रहा था। इसके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर शासन पुलिस चौकी ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, पुलिस अधीक्षक की ओर से लगातार इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि अवैध रेत उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। हम लोग भी उनके निर्देशानुसार प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में दबिश मार रहे हैं। आज हमें प्रातःकाल सूचना मिली कि बसौड़ा के नज़दीक से जो है एक ट्रैक्टर अवैध उत्खनन करते हुए परिवहन करते हुए रेत गिराने जा रहा है। सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुआ। जो सूचना सही पाई गई, मौके से ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया गया है। बालू लोड ट्रैक्टर है, उसको ले आकर चौकी में खड़ा कर दिया गया है और वैधानिक उस पर कार्रवाई की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।